बागपत से बीजेपी विधायक योगेश धामा ने तिहाड़ जेल में बंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपराधी सुनील राठी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था और सीएम योगी आदित्यनाथ व यूपी के डीजीपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं बीजेपी विधायक योगेश धामा पर सुनील राठी की मां व नगर पंचायत टीकरी की पूर्व चेयरमैन राजबाला राठी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने सुनील राठी की हत्या की आशंका भी जताई है। राजबाला राठी का आरोप है कि सुनील राठी की पेशी के दौरान बीजेपी विधायक हत्या करा सकते हैं। वहीं बीजेपी विधायक योगेश धामा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि सुनील राठी खुद जनपद का अपराधीकरण कर रहा है और युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेल रहा है। ये खुद अपराधी है, पूरा परिवार अपराधी है, राजबाला है, ये भी जेल में रह चुके हैं, इनके ऊपर भी केस चल रहे हैं, तो इनके मैं कोई बयान पे मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता। लेकिन बात जो एक हमारा जनपद बागपत है और इसका सिस्टम खराब करने की बात है, यहाँ अपराधीकरण, युवाओं को अपराधीकरण करना, युवाओं का नए नए लड़कों को खनन में लगाना, उन्हें लालच देना, फिर उनके हाथों में कट्टे देना, पिस्टल देना और फिर किसी का भी मर्डर करवा देना। अभी 15 दिन में 2 मर्डर उन्होंने किए हैं। प्रेमवीर दुगाना किया है, देशपाल होकर बहुत अच्छा आदमी, किसान नेता था, उसका इन्होंने मर्डर किया है बिना वजह के। तो एक दहशत इनका बनाने का माहौल है, एक चुनाव का माहौल नहीं है, इनका एक जनपद में दहशत अपराधीकरण करने का है ताकि तुम्हारे सामने कोई ना बोले, कोई भी यहाँ काम हो, राजनीतिक हो, दूसरे हो, तुम्हारी दखल उसमें हो, जैसे पूर्वांचल में अब से पहले होता रहा।